हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कुमुद। मम्मी की रसोई बाई कुमुद में स्वागत है आपका। अक्सर हम अपने घर के लिए इस तरह सामान ले आते हैं, जैसे कि ये हम मैदा है, मैंने थोड़ा सा डब्बा में निकाला है, वो भर गया है तो इतना सा इसमें बच गया है। मैगी है जिसे मैंने इतना यूज़ किया है और इतना है। थोड़ी सी चाय पत्ती है जिसे मैंने अपने डब्बे में निकाला है और थोड़ी चाय पत्ती इसमें रह गई है। तो इसको हम लोग किस तरह से सोचते हैं कि इसे किस तरह हम सेफली रखें ताकि इसमें एयर ना जाए, क्योंकि एयर जाने के बाद में अंदर की चीज़ें ये ख़राब हो जाती है। तो आप इस तरह अगर थोड़ा सा बच जाता है तो आप यूँ इस तरह यहाँ रबर बैंड टाइटली लगा करके इसे रख सकते हैं, तो ये इसमें एयर नहीं जाएगा और ये इस तरह सेफ रहेगा। दूसरा उपाय आप ये भी कर सकते हैं, ये देख सकते हैं जैसे कि ये मैगी का पैकेट है, मैंने इसमें से थोड़ा निकाला है और थोड़ा ये है, तो इसे आप इस तरह ऊपर एक इस तरह फोल्ड कर दीजिए और फिर यहाँ पे डबल कर दीजिए। और डबल करके इस तरह तो चिमटियाँ हमारे घरों में होती ही हैं कपड़े को दबाने के लिए, तो आप यहाँ इस तरह इसे ऐसे करके रख सकते हैं, तो इसमें एयर नहीं जाएगा और ये ज़्यादा दिन तक आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। आप डस्टबिन में कभी भी इस तरह कूड़ा ना डालें, क्योंकि बार बार हमको डस्टबिन अपना साफ करना पड़ जाता है। तो इसके लिए आप सबसे पहले एक इस तरह जो कि मार्केट में आता है डस्टबिन में डालने के लिए, तो आप इस तरह एक पॉली बैग लगाइए और फिर इसमें अपने कूड़े वगैरह डालेंगे तो आप इसे आसानी से इस तरह मोड़ करके निकाल सकते हैं। आपका डस्टबिन भी गंदा नहीं होगा, आपका काम भी बहुत आसान हो जाएगा। अक्सर मुझे ये दिक्कत आती है कि जब भी हम रोटी बनाते हैं या फिर आटा गूंथते हैं या फिर हम कपड़े धोते हैं तो हमारी चूड़ियाँ आगे की तरफ आ जाती है, बार बार हम इसे खोल नहीं सकते हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि इस तरह एक रबड़ बैंड लीजिए और रबड़ बैंड लेकर के अपने इन चूड़ियों के आगे इस तरह लगा दीजिए। अब आप देखेंगे कि चूड़ियाँ बजेगी भी नहीं और आप आसानी से रोटी बेल सकेंगे, आटा गूंथ सकेंगे या फिर आप वॉशरूम में अपना कपड़ा धो सकेंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये टिप्स पसंद आई होगी।